हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। मल्टीपल पोस्ट हैं, मल्टीपल वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसी की डिटेल इस तरीके से, TGT इंग्लिश है, TGT सोशल साइंस, TGT मैथ्स, TGT इकोनॉमिक्स हिंदी, TGT साइंस केमिस्ट्री, TGT साइंस बायोलॉजी, TGT कंप्यूटर साइंस, PRT जनरल, PRT में EVS और PRT मैथमेटिक्स, PRT डांस, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, LDC की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं इसमें एप्लीकेंट विद। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है पहले ये चेक करेंगे, जॉब लोकेशन क्या है, और उसके बाद इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ज़्यादा टफ लगे एप्लीकेशन करने के लिए तो ऑफलाइन भी की जा सकती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी से है, सेक्टर 24 Phase 3 रोहिणी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में है दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी, न्यू दिल्ली से वैकेंसीज आउट की गई हैं। अब ये इसमें लिखा है 2022-23, बट ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी इस बिल्कुल सेम ऐसी आई हुई है 23 नवंबर 2022 को। तो ये फ्रेश एकेडमिक सेशन के लिए ही है, बट क्योंकि रिक्रूट कर रहे हैं 2022 में नोटिस रिलीज किए, इसलिए 2022-23 लिखा है। अब इसमें कैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ये देख लेना। सीटेट या टीटेट मैंडेटरी नहीं है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मतलब अगर आपके पास टेट या सीटेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस दी जाएगी अगर सीटेट वाले कैंडिडेट आए तो। जिन एप्लीकेंट्स की फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन मतलब हाई सेकेंड डिवीजन मतलब 55% के ऊपर आपके मार्क्स हैं, और 5 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस है, शुड अप्लाई। तो 5 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करें। क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो प्रोसीड जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, नीचे प्रोसीड फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल है क्योंकि काफी सारी चीजें स्कैन करनी है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड स्कैन कॉपी, ये सब चीजें स्कैन करनी है आपको, तो आप ऑनलाइन कर दें। अदरवाइज अगर आपको नहीं हो रहा है कंफर्टेबल तो एक फॉर्म दी होगी ऊपर में, फॉर्म डाउनलोड कर लेना, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, और इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफलाइन मोड ऑफ फिलिंग द फॉर्म, क्लिक ऑन द प्रोसीड फॉर ऑफलाइन बटन। ऑफलाइन बटन जब आप करेंगे नीचे, सबसे नीचे, तो इसमें शायद फॉर्म आपको मिलेगी, तो ये आपको करना होगा और डिमांड ड्राफ्ट देनी होगी 100 रुपीज की। और अगर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट नहीं होगी, यहीं पर से ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करते वक्त 100 रुपीज एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस पेज पर आपको कैसे पहुंचना है ये मैं आपको बता दूं। जैसे DPS रोहिणी की ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज, ये होम पेज पे जैसे ही आप आएंगे तो पॉपअप ओपन हो रही है, उसको साइड में कहीं क्लिक करने से वो पॉपअप चली जा रही है। उसके बाद इसी पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं और सबसे नीचे कहीं पर आपको वैकेंसीज नजर आएंगी, मुझे लग रहा है उस पर क्लिक करते ही आप मेन जो है वैकेंसी पेज पर पहुंचते हैं। तो वैकेंसीज इसी में कहीं पर वेबसाइट पर अवेलेबल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। तो ये जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज की डिटेल निकल कर आएंगी सामने, और इसी में नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस बताए जाएंगे कि नीचे में ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मोड में कर दें, मतलब स्कूल में जाके सबमिट करना होगा, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो होम पेज की अगर लिंक आप सर्च कर रहे हैं तो इसी यूट्यूब होम पेज जो है ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली, इसकी लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अवेलेबल मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू।